नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। मैं हूं कृतिका। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने विश्व पर्यावरण दिवस पर जिला अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में निर्देश दिए। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र ने कहा कि ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण को ई विधानसभा बनाया जाएगा। पर्यावरण का संरक्षण हम सब की सामूहिक जिम्मेदारी है। पर्यावरण प्रदूषण से मुक्ति एवं जैव विविधता को बनाए रखने के लिए हमें जनभागीदारी से प्रयास करने होंगे। ये बात मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर सचिवालय में सभी जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान कही। उन्होंने कहा कि पर्यावरण और मानव के बीच कैसे संतुलन बना रहे, इस दिशा में अनुसंधान की आवश्यकता है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड राज्य की पर्यावरण रिपोर्ट की बुक का विमोचन भी किया। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र ने कहा कि ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण को ई सभा बनाया जाएगा। उत्तराखंड सरकार ने ई कैबिनेट की शुरुआत की है। हमने अपने ऑफिसों को ई ऑफिस बनाने का निर्णय लिया है। अभी 17 कार्यालय ई ऑफिस हो गए हैं। प्रयास है कि राज्य के ब्लॉक स्तर तक जितने भी कार्यालय हैं इनको ई ऑफिस बनाया जाए। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र ने कहा कि हरेला पर्व पर फिजिकल डिस्टेंस का पालन करते हुए व्यापक स्तर पर वृक्षारोपण किया जाएगा। भारत में जैव विविधता को बनाए रखने में उत्तराखंड का अहम योगदान है। वन एवं पर्यावरण मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने कहा कि भारत में जैव विविधता को बनाए रखने में उत्तराखंड का महत्वपूर्ण योगदान है। उत्तराखंड में देश की 28% जैव विविधता पाई जाती है। यहाँ की जैव विविधता का प्रभाव भारत ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व पर पड़ता है। प्रकृति हमें सब कुछ देती है। मानव को प्रकृति के साथ पूरा संतुलन बनाकर आगे बढ़ना होगा। पर्यावरण संतुलन के लिए लोगों में सजगता होना बहुत जरूरी है। हम छोटे छोटे प्रयासों से भी इस दिशा में अपना योगदान दे सकते हैं। हम भावी पीढ़ी को कैसे पर्यावरण देना चाहते हैं, ये हम पर ही निर्भर करता है। बैठक में मुख्यमंत्री की आईटी सलाहकार श्री रविंद्र दत्त, प्रमुख सचिव वन श्री आनंद वर्धन, पलायन आयोग के उपाध्यक्ष श्री एस नेगी, प्रमुख वन संरक्षण श्री जयराम, आज निदेशक उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड श्री एसपी सुबुद्धि आदि उपस्थित थे। प्राइम न्यूज 24 के लिए उत्तराखंड ब्यूरो की रिपोर्ट।